तो वहीं कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से कांग्रेस पर जो आरोप लगाए गए, जो निशाना साधा गया, उस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी पूर्व मुख्यमंत्री और एक वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देती। इसके साथ ही किमटा ने तीनों उपचुनाव में जो अलग अलग विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस की जीत का दावा किया। तीनों सीटें जो है नालागढ़, देहरा और हमीरपुर, कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। किस तरह से सरकारें बनती हैं और किस तरीके के बहुमत के साथ आप सरकार बनाते हैं और कितना बहुमत 5 वर्ष तक सरकार को चलाने के लिए, किसी भी सरकार को चलाने के लिए जरूरी होता है, सबको मालूम है। वो ऐसी हल्की स्टेटमेंट दे करके अपने पद की गरिमा को भी वो ठेस पहुंचा रहे हैं और जिस पद पर वो पहले रहे हैं इससे हिमाचल से बाहर जब लोग ऐसी स्टेटमेंट सुनते हैं तो वो भी हैरान होते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि उनको मालूम होना चाहिए इसी प्रदेश से उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहीं से हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता कोई इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो उनको ऐसी इमेच्योर पॉलिटिकल जो बयानबाजी से बचना चाहिए। ठीक है, आप बयानबाजी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पर ऐसी बात ना करें कि जिसमें आपका उपहास बने। ठीक है, आप अपने रैंक एंड फाइल, अपने वर्कर्स को मोरल बूस्ट करने के लिए ये बातें बोल सकते हैं तो ये कमरे के अंदर बोले, ऐसी बातें बाहर बोल करके आप अपने आप को अपनी पार्टी को शर्मसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा षड्यंत्र किया हिमाचल प्रदेश में, षड्यंत्र के तहत रिजाइन करवाए लोगों के, इलेक्शन थोपा, इलेक्शन में 6 सीटों में 4 में हम जीते, 2 में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है।